नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारा चैनल हर सप्ताह निशुल्क ज्योतिषीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराता है। अपनी फ्री कंसल्टेशन पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियोज आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि वाले लोगों का अगस्त 2018 का चौथा सप्ताह कैसा जाएगा? दोस्तों, हमारा ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। आपने ना ही अपने नाम से राशि को देखना है, ना ही जन्म की तिथि से, अपनी चंद्र राशि को देखिए। अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में मौजूद है, चंद्रमा जिस नंबर के साथ लिखा हुआ है, वही आपकी चंद्र राशि बनती है। 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है? दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में आपकी भागदौड़ बढ़ेगी। अपने कार्यस्थल पर आप काफी बिजी रहेंगे। घर परिवार के कामों को लेकर भी आप चिंतित रह सकते हैं। इस समय में भागदौड़ बढ़ने की वजह से मानसिक परेशानी आप महसूस कर सकते हैं। हालांकि अपने कारोबार से धन लाभ होने की संभावना आपके लिए बनेगी। इस समय में आपको शुभ समाचार भी मिलेंगे, लेकिन मन में कुछ चिंता रह सकती है। इस दिन आप किसी बड़े काम को अपने हाथ में ना लें, कुछ इंपॉर्टेंट कामों को रोक कर चलें। दोस्तों, बात करते हैं 26 व 27 तारीख की। अपने कारोबार से धन लाभ का योग आपके लिए बनेगा, लेकिन इस समय में आपका मन भटक सकता है। अपने कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा, अपने काम में आपका मन नहीं लगेगा। इस समय में आप अपने सुखों की पूर्ति के लिए धन को खर्च करेंगे। आप अपने शौक को पूरा करने के लिए धन को खर्च करेंगे। फिजूल के कामों में आप अपना समय व धन बर्बाद कर सकते हैं। विदेश से व्यापार करने वालों को कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी। जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेश से जुड़े हैं, उन्हें अपने व्यवसाय से धन लाभ होने की संभावना बनेगी। दोस्तों, बात करते हैं 28, 29 और 30 तारीख की। 28, 29 और 30 तारीख को आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपकी इनकम कई गुना बढ़ सकती है। आप एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको इस समय में अपने कारोबार से अच्छा खासा मुनाफा होगा। मुनाफे के सौदे होंगे। अपने सहकर्मियों का साथ अच्छा मिलेगा और इस समय में वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी और आपको अपने मित्रों का अच्छा साथ मिलेगा। घर परिवार में खुशी का माहौल भी रहेगा। इस समय में अच्छा खासा धन आप अर्जित करेंगे। ये तीन दिन आपके लिए बेहद लक्की रहेंगे। पार्टनरशिप में नए काम की शुरुआत हो सकती है। इस समय में आप कोई बड़ी डील साइन कर सकते हैं। इन तीन दिनों में आप जो भी फैसला लेंगे वो आपके पक्ष में रहेगा और ये तीन दिन आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेंगे। दोस्तों, बात करते हैं 31 तारीख की। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। यात्राओं का योग आपके लिए बन सकता है। इस समय में आपको किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए दूर जाना पड़ सकता है। इस समय में आप नई व्यापारिक योजनाएं बनाएंगे। आपके पास रुका हुआ धन आने की संभावना बनेगी। इंपॉर्टेंट काम पूरे होंगे। कर्ज की स्थिति कम होगी। जिन्होंने उधार ले रखे हैं वो सभी उधार समाप्त हो सकते हैं। इस समय में आपके पास गुप्त धन भी आ सकता है। आपकी इनकम कई गुना बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा समय आपको अपने कार्यस्थल पर बिताना चाहिए। घर परिवार के लोगों का साथ आपको मिलेगा और माता पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है। आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे और समाज में आपकी एक नई पहचान बनेगी। ये 31 तारीख आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगी। इस समय में किए गए काम आपके लिए शुभ फलदायी रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।